हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद मानक। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित जुलाई से लेकर दिसंबर तक का करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो का पार्ट वन होगा, इसके बाद पार्ट टू आएगा, जिसके अंदर इस वीडियो के अलावा जो बचा हुआ करंट अफेयर्स होगा वो इंक्लूड होगा। आज हम जेरूसलम क्राइसिस, इजराइल एंड पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। हमास वहां पे एक मिलिटेंट ग्रुप है, ठीक है। टू स्टेट सॉल्यूशन इजराइल और पैलेस्टीन से रिलेटेड है। अल अक्सा मॉस्क और हराम शरीफ कहाँ पे लोकेटेड है? इजराइल के अंदर, ठीक है, जेरूसलम में। और जो टेंपल माउंट ज्यूस का टेंपल है, ज्यूस का, जो कहाँ पे लोकेटेड है? जेरूसलम में। और जो ये टेंपल माउंट है, ये होलीएस्ट साइट इन जुदाइज्म के अंदर सेकंड होलीएस्ट साइट है, ठीक है। और जो हराम शरीफ अल अक्सा मॉस्क है वो इस्लाम की थर्ड होलीएस्ट साइट है, ठीक है। लोकेशन के बारे में देख लेते हैं। वेस्ट बैंक के जो इजराइल और जेरूसलम के ईस्टर्न साइड के अंदर है, ठीक है। तेल अविव जो इजराइल के वेस्टर्न साइड के अंदर है, ठीक है। और मेडिटेरियन साइड के ईस्टर्न साइड के अंदर है। ये है गोल्डन हाइट, ठीक है। तो इस पे इजराइल ने कब्जा किया था, सीरिया से हड़प लिया था, ठीक है। और इजराइल के नॉर्दर्न साइड के अंदर जाएंगे, ये लेबनन आ जाता है। और इजराइल के ईस्टर्न साइड के अंदर आता है जॉर्डन, ठीक है। और ये वाला है, ये डेड सी है, ठीक है। तो मर्द सागर कभी पूछे तो कहाँ है? इजराइल और जॉर्डन के बीच में। और ये गाजा स्ट्रीप है, यहाँ पर हमास रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वेस्टर्न साइड और सदर्न साइड के अंदर इजराइल के इजिप्ट आता है। और ये जो इजिप्ट, ये लोकेटेड है इस पेनिनसुला को कहते हैं सिनाई पेनिनसुला। अब देखते हैं अब्राहम अकॉर्ड। ये जो इजराइल और यूए के बीच में 2020 के अंदर हुआ था, ठीक है। नॉर्मली ऐसा पूछ ले कि अब्राहम अकॉर्ड क्या है, तो इजराइल और यूए के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जो, ठीक है। अब हम देखते हैं इंडिया और यूए बायलेटरल रिलेशंस। जायद तलवार एक्सरसाइज इन यूए बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। तो जायद तलवार एक्सरसाइज क्या है? इंडिया और यूए बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज। डेजर्ट ईगल सेकंड एयरफोर्स एक्सरसाइज है, ठीक है। इन फरवरी 2019 अबू धाबी इंक्लूडेड हिंदी एज अ थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हिंदी को थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज इंक्लूड करने वाला अभी हाल ही में रिसेंट में कौन से देश ने की, तो यूए आ जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर वहां पे और दो कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? अरेबिक और इंग्लिश। ऑपरेशन पेंजिया 14। ऑपरेशन पेंजिया क्या है? ऑपरेशन पेंजिया इज एन इंटरनेशनल एफर्ट्स टू टारगेट द ऑनलाइन सेल ऑफ काउंटरफीट एंड इलिसिएट हेल्थ प्रोडक्ट्स। जो हेल्थ प्रोडक्ट्स होते हैं, जो इलिसिएट हेल्थ प्रोडक्ट जिनको मतलब इधर उधर से भेजते हैं और उनकी ऑनलाइन सेल करते हैं, तो उनको रोकने के लिए जो ऑपरेशन पेंजिया स्टार्ट किया गया था, द ऑपरेशन इज कोऑर्डिनेटेड बाय इंटरपोल, ठीक है। इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कोऑर्डिनेशन के अंदर इसको चलाया गया था। इंडिया के अंदर इसके अंदर पार्टिसिपेशन कौन करता है? सीबीआई ऑपरेशन करता है इंडिया के अंदर। अब हम देखते हैं इंटरपोल। इंटरपोल क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जो 1923 के अंदर फॉर्म की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है लयोन, फ्रांस के अंदर। 45 साइंटिफिक एक्सपीडिशन, ठीक है। ये क्या है और किस रिलेटेड है देखते हैं। इंडिया के द्वारा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में लॉन्च किया गया था, ठीक है। इट एनकंपास जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ एमरी आइस शेल्फ। तो एमरी आइस शेल्फ कहाँ है? अंटार्कटिका पे, जो थर्ड लार्जेस्ट आइस शेल्फ है अंटार्कटिका में, और जिसके पास में भारतीय स्टेशन लोकेटेड है, ठीक है। तो अंटार्कटिका पे तीन स्टेशन है, भारती, गंगोत्री और तीसरे का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं फ्रेंड, ठीक है। वैसे अभी सामने आ जाएगा। इन्वॉल्व रिकनाइसेंस सर्वे एंड प्रिपेरेटरी वर्क फॉर ड्रिलिंग 500 मीटर्स ऑफ आइस कोर नियर मैत्री। जो मैत्री स्टेशन है उसके पास में ये मतलब वहां पे सर्वे करेगा, ड्रिलिंग करेंगे 500 मीटर आइस कोर के अंदर कि वहाँ की जियोलॉजिकल कंडीशन क्या है, वहाँ पे ह्यूमन प्रेजेंस हो सकती है या नहीं हो सकती है, जितनी भी होगी उसके बारे में, ठीक है। और जो मैत्री है, मैत्री स्टेशन
इंडिया ऑल्सो बिल्ट अ फ्रेश वाटर लेक अराउंड मैत्री। जो फ्रेश वाटर लेक इंडिया बना रहा है मैत्री स्टेशन के पास में, उसका नाम है लेक प्रियदर्शनी। ठीक है, तो एग्जाम एग्जाम ऐसे पूछ ले, लेक प्रियदर्शनी कहाँ सिचुएटेड है, तो अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका इज फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, याद रखे फ्रेंड्स, फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा, अंटार्कटिका। टोटल एरिया के हिसाब से अंटार्कटिका इज यूनिक कॉन्टिनेंट दैट डज नॉट हैव ए नेटिव पॉपुलेशन। अंटार्कटिका पे कोई नेटिव पॉपुलेशन नहीं है, इंडिया वाले जाते हैं, इंडिया के 3 स्टेशन है, वहां पे वो रिसर्च करते हैं, वापस आ जाते हैं। सभी देशों की यही कंडीशन है, वहां जाते हैं, वो अपना रिसर्च करते हैं, वापस आ जाते हैं। तो वहां की नेटिव, वहां के रहने वाले निवासी कोई नहीं है। ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशियन रिसर्च NCPOR, जिसका काम है साउथ पोल और नॉर्थ पोल और जो भी आइस से, मतलब जैसे कि हाइट पे, जैसे हिमालयाज हो गया है, तो मेनली काम इसका साउथ और नॉर्थ पोल पे है। ठीक है, जैसे अंटार्कटिक और आर्कटिक के अंदर, वहां पे रिसर्च करना, वहां की स्टडी करना, वहां पे क्या हो रहा है उससे रिलेटेड जितना भी होगा वो ये देखेगा। तो ये इंस्टीट्यूशन किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, इट वॉज स्टेब्लिश एज एन ऑटोनोमस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बॉडी इन 1998। तो 1998 के अंदर इसको स्टेब्लिश किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर है गोवा में। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, गोवा। अब हम देखते हैं, एक रिसर्च स्टेशन है जो आर्कटिक में लोकेटेड है। ठीक है, उसका नाम है हिमाद्री, हिमाद्री। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से थे, भारती, पहला स्टेशन भारती, दूसरा मैत्री, और एक तीसरा स्टेशन है वो है गंगोत्री। ठीक है, तो 3 स्टेशन है जो अंटार्कटिका पे लोकेटेड है, भारती भारती स्टेशन, मैत्री स्टेशन और गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, तो दक्षिण गंगोत्री बंद है, लेकिन अभी 2 स्टेशन यूज में है, भारती और मैत्री, और आर्कटिक पे कौन सा है, हिमाद्री। इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशियन रीजन IFC IOR। ठीक है, तो ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम के अंदर। इट वॉज सेटअप इन 2018, 2018 के अंदर इसको सेटअप किया गया था। इट कोऑर्डिनेट रीजनल कंट्रीज ऑन मेरीटाइम इश्यू, जैसे कि मेरीटाइम इश्यूज होते हैं, जैसे समुद्र के आसपास में जितनी भी कंट्री, जैसे इंडियन ओशियन है, तो इंडियन ओशियन के अंदर जितनी भी कंट्री लग रही है उसके जो बॉर्डर टच होता है, तो उन कंट्रीज के अंदर इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि ये जहाज यहाँ पे हैं, ये जहाज यहाँ पे हैं, ये शिप यहाँ जा रही है, इसके सामने ये खतरा हो सकता है, उसकी रीजनल, जैसे कि इंडिया के पास में से होके जाएगी, गुजरात कोस्ट पे आएगी, तो गुजरात में कोई भी शिप होगा ना जो इसके साथ में जुड़ा हुआ होगा इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर से, तो उसकी सूचना सभी उसके आसपास वाली कंट्रीज को मिलेगी। जैसे आगे वाली कंट्री, इंडिया से कोई जहाज है वो पाकिस्तान के साइड में जा रहा है, यदि पाकिस्तान इसमें इंक्लूड है तो वो पाकिस्तान को इसकी इन्फॉर्मेशन देगा, इस जहाज के अंदर ये है, इतना ही है। ठीक है, तो मेरीटाइम डाटा होगा उसका, रीजनल रिपोजिटरी ऑफ मेरीटाइम डाटा देगा। टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर, जो सेशल्स के अंदर अभी स्टार्ट किया है, इससे पहले इंडिया ने भूटान को भी, ये भूटान में भी इस पार्टी प्रोग्राम के तहत पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो अभी किस में, हाल ही में सेशल्स के अंदर, पहले भूटान में। इट एम्स टू एड सेशल्स इन स्ट्रेंथनिंग टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बाई ट्रांसफरिंग टेक्निकल नाउ हाउ एंड स्किल टू इट्स टैक्स ऑडिटर थ्रू शेयरिंग बेस्ट ऑडिट प्रैक्टिस। जो टैक्स ऑडिटिंग की जो अच्छी प्रैक्टिस होती है, या फिर कैसे उनको अच्छे तरह से ऑडिट किया जाए, उनकी टेक्निकल नाउ हाउ क्या है, ठीक है, और उसको अच्छा के और अच्छा बड़ा बनाने के लिए कैसे उसको बेटर टैक्स कलेक्शन हो सके, उससे संबंधित जो भी जानकारी है वो टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा 2 देशों के बीच में होता है। ठीक है, तो जैसे इंडिया हेल्प करता है सेशल्स की, भूटान की, इससे संबंधित 1 साल का प्रोग्राम होता है। अब ये प्रोग्राम किसके द्वारा चलाया गया था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट UNDP और OECD ने मिलके 2015 के अंदर इसको लॉन्च किया था। अगली न्यूज है, चाइना हैज बीन अवार्डेड ए मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन फ्रॉम WHO। ठीक है, तो WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया फ्री अवार्ड किया, तो चाइना। ठीक है, और 137 स्ट्रेटेजी आती है, कभी एग्जाम में पूछ ले कि 137 स्ट्रेटेजी क्या है, किससे रिलेटेड है, तो वो WHO मलेरिया से रिलेटेड है। ठीक है, WHO ने स्ट्रेटेजी बनाई थी मलेरिया से रिलेटेड है। अब हम देखते हैं चाइना से रिलेटेड, और उइगुर एथिक्स कम्युनिटी, उइगुर मुस्लिम्स कम्युनिटी है जो माइनॉरिटी है वहां पे, कहाँ पे रहती है, जिनजियांग प्रोविंस है, ये वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्ट चाइना के अंदर। ठीक है, उइगुर्स आर प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम माइनॉरिटी, तुर्की एथनिक ग्रुप है,
इनका टर्किश एथनिक ग्रुप है, मिलियंस पीपल हैव बीन आर्बिट्रेली डिटेन इन जिनजियांग, जिनजियांग रीजन के अंदर इनको डिटेन किया हुआ है काफी सारे लोगों को। अब हम देखने वाले ग्रीन पास हाल ही में न्यूज में था, तो इसी क्या है, किससे रिलेटेड है, इसके बारे में देख लेते हैं। यूरोपियन यूनियन डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट, जैसे आपने इंडिया में क्या है कि वो कोविड वाले सर्टिफिकेट दे रहे हैं सेकेंड डोज का, फर्स्ट डोज का, ऐसे कैसे ये यूरोपियन यूनियन के अंदर डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अपने पास भी डिजिटल डिजिटल आ रहे हैं, ठीक है, वहां पे उसका नाम है ग्रीन पास, ठीक है। इसका यूज करके हम यूरोपियन यूनियन के किसी भी देश के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं। एंड पॉपुलर नोन हैज बीन क्रिएटेड टू रिस्टोर फ्रीडम ऑफ ट्रेवल फॉर द पब्लिक एंड रिमूव बैरियर ऑन एंट्री प्लेस ड्यू टू पेंडेमिक, ठीक है। पेंडेमिक के अंदर कोई भी बैरियर नहीं लगा सके आपको, आज की वहां आप नहीं जा सकते, वहां आप नहीं जा सकते, उसके लिए आपको ग्रीन पास दिया जाएगा पूरे यूरोपियन यूनियन के अंदर, जिसके अंदर 20+ देश हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एल सल्वाडोर हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक बिटकॉइन लीगल। बिटकॉइन को लीगल करने वाली पहली कंट्री कौन है, एल सल्वाडोर, ठीक है। एल सल्वाडोर की लोकेशन के बारे में देखते हैं अपन, एल सल्वाडोर कहाँ है, ये एल सल्वाडोर है, यहाँ पे ये लोकेशन, ठीक है। इसके नदर्न साइड के अंदर है ग्वाटेमाला, ईस्टर्न साइड में होंडुरस, वेस्टर्न साइड के अंदर पैसिफिक ओशियन आ जाता है। फ्रेंड्स, एल सल्वाडोर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या एल सल्वाडोर जो अटलांटिक ओशन के अंदर भी बॉर्डर से टच करता है क्या, या फिर ओनली एल सल्वाडोर इज ए ओनली कंट्री विच बॉर्डर विथ ओनली पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो एल सल्वाडोर एक ऐसी कंट्री है जो खाली पैसिफिक ओशन के अंदर ही बॉर्डर लगाती है, तो वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ जाते हैं, तो वो ये सही होगा, ठीक है, क्योंकि एल सल्वाडोर जो ओनली पैसिफिक ओशन के अंदर ही बॉर्डर बनाती है, और बेलीज है ना वो ओनली अंटार्कटिक ओशन के अंदर ही बॉर्डर बनाती है। ये दो बेलीज और एल सल्वाडोर के बारे में ध्यान रखना फ्रेंड्स। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, जैसे हम डोनेशन देते हैं, इस पे एक इंडेक्स बन जारी हुई थी, ये कौन जारी किया था, चैरिटी एंड फाउंडेशन, ठीक है। चैरिटी एंड फाउंडेशन ने ये जारी किया था वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। द मोस्ट जेनरस कंट्री इन द वर्ल्ड इज इंडोनेशिया, इंडोनेशिया बहुत ज्यादा डोनेशन करता है, वर्ल्ड जेनरस कंट्री है, ठीक है। और इंडिया की रैंक है इसके अंदर 14, ठीक है, 14वीं रैंक है इंडिया की, और इंडोनेशिया इसमें टॉप है। ईयू नाव 4, ठीक है, ईयू नाव 4 एक एक्सरसाइज है मेडन इंडियन नेवी, ठीक है, ये नेवी की एक्सरसाइज है जो इंडिया इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया, यूरोपियन यूनियन की थी, यूरोपियन यूनियन नेवल एक्सरसाइज है। ये कहाँ हुई थी, तो गल्फ ऑफ ओमान एडन के अंदर, ठीक है। तो याद रखना ईयू नाव 4 पे पूछ ले तो क्या है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन की नेवल एक्सरसाइज थी जो कहाँ हुई थी, गल्फ ऑफ एडन के अंदर। साउथ अफ्रीका ग्रांट पेटेंट टू एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दाबूस, जिसका हमने वहां पर भी पढ़ा था, किसके अंदर, सिक्योरिटी के अंदर। अब हम देखते हैं ब्रिक्स बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, ठीक है, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाई थी जो 2014 के अंदर 2014 फोर्टिलेजा कन्वेंशन के अंदर, ठीक है। तो फ्रेंड्स कमेंट करके कमेंट में ये बताएं कि साउथ अफ्रीका को ब्रिक्स के अंदर कब ऐड किया गया था, ठीक है। ब्रिक्स के अंदर मेंबर कौन कौन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। वोटिंग पावर, ईच मेंबर इज गिवन इक्वल 20% वोटिंग, ठीक है, 20%, हर एक पांच मेंबर है, पांचों के पास 20-20% का वोटिंग पावर है। जैसे हम दूसरी जगह जाते हैं तो दूसरी जगह, जैसे वर्ल्ड बैंक में जाते हैं तो यूएसए के पास वोटिंग पावर ज्यादा होती है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अंदर अलग अलग वोटिंग पावर है, ठीक है। जो ब्रिक्स है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, संघाई चाइना के अंदर, याद रखना फ्रेंड ब्रिक्स का है संघाई के अंदर, ठीक है। और एससीओ जिसका नाम है संघाई ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका है कहाँ पे, बीजिंग के अंदर, ठीक है। तो इसके हिसाब से याद रखना, बी बी यानी बीजिंग, बीजिंग नहीं होता, उसका उल्टा है, ठीक है, यहाँ पे संघाई, और संघाई वाले का कहाँ है, बीजिंग में। और एआईआईबी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 2015-16 के अंदर बनाई थी, चाइना, इंडिया, यूके, स्विट्जरलैंड, और मतलब 70+ कंट्रीज है इसके अंदर। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके अंदर एशियन नाम दिया हुआ, ठीक है, तो क्या उसमें ओनली एशियन कंट्रीज ही इंक्लूड है, या फिर दूसरे दूसरे कॉन्टिनेंट से भी है, तो दूसरे कॉन्टिनेंट से भी इसके अंदर कंट्रीज इंक्लूड है, जैसे यूके है, स्विट्जरलैंड आ गया,
अब हम देखते हैं बेस्ट ऑन शेयर कैपिटल प्रोवाइडेड चाइना, तो सबसे ज्यादा इसके अंदर शेयर किसका है, 27% चाइना का, इंडिया का है 7%, एशियन कंट्रीज कंट्रोल अबाउट 75% वोटिंग, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग चाइना के अंदर, तो एनडीबी का है संघाई में और एआईआईबी का है बीजिंग चाइना के अंदर। ब्रिक्स मेंबर है ऑल्सो सेटअप 100 बिलियन ब्रिक्स कॉन्टिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, कि आपको ऐसे पूछ ले कि कॉन्टिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट देखने को मतलब है, ये प्रोग्राम किसके कौन सी बैंक के अंतर्गत आता है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंतर्गत, ठीक है। ब्रिक्स ब्रिक्स ने स्टार्ट किया था। अब हम देखते हैं ब्रेटन वुड ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड बैंक बनी थी, आईएमएफ बने थे, उसके बारे में। उसका फर्स्ट पार्ट है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, 1945 जुलाई के अंदर बनाया गया था, 1945 के अंदर। वर्ल्ड बैंक के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, आईबीआरडी और आईडीए, ठीक है। दो ही ग्रुप वर्ल्ड बैंक के अंदर आते हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप कॉम्प्रोमाइज 5 इंस्टीट्यूशन है, जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। देखो वर्ल्ड बैंक अलग है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप अलग है। ग्रुप के अंदर 5 ऑर्गेनाइजेशन आती है, जबकि वर्ल्ड बैंक के अंदर 2 ही ऑर्गेनाइजेशन आती है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप देख लेते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, पहली है आईबीआरडी, दूसरी है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा, ठीक है। और पांचवी है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट और इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, तो SID है, जो टोटल 5 हो गए, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर। अब हम एक एक क्या इनके गोल देख लेते हैं। आईबीआरडी है, आईबीआरडी कॉमनली नोन एज वर्ल्ड बैंक, मेनली इसको कहते हैं क्योंकि ये जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट किसी भी चीज का डेवलपमेंट से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर लोन होते हैं, तो ये आईबीआरडी अप्रूव करता है, ठीक है। और जो आईडीए है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन असिस्ट पुअर कंट्रीज, जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होती है और सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज है, इनको इंटरेस्ट फ्री लॉन्ग टर्म लोन देने के लिए आईडीए होता है, ठीक है। आईडीए लॉन्ग टर्म लोन के लिए और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को देता है। आईबीआरडी है वो वर्ल्ड बैंक के अंदर डेवलपमेंटल लोन देता है। आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन सपोर्ट एंटरप्राइज डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे अपन बॉन्ड होते हैं ना, एक दूसरे दूसरे देश के अंदर बॉन्ड जारी करवाना होता है, मसाला बॉन्ड है, जैसे इंडिया के अंदर महाराजा बॉन्ड है, ठीक है। तो ये बॉन्ड्स होते हैं ना, तो इनको बॉन्ड्स को लागू करवाने का काम करता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, या फिर बॉन्ड्स प्रोवाइड करवाने का, ठीक है। मीगा है, दिस हेल्प थर्ड वर्ल्ड नेशंस अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई से रिलेटेड होगा, जो मीगा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आईसीएसआईडी हेल्प इन डिस्प्यूट रिलेशन टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंपनीज इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इंडिया इज नॉट पार्ट मेंबर, ठीक है। इंडिया आईसीएसआईडी का मेंबर नहीं है, बाकी चारों का इंडिया मेंबर है, ठीक है। आईपीआरडी का इंडिया मेंबर है, आईडीए का मेंबर है, आईएफसी का है और मीगा का है। और वर्ल्ड बैंक के बारे में हमने देख लिया था, वर्ल्ड बैंक आईबीआरडी और आईडीए से मिलके बना हुआ है। कब बना था, 1945 के अंदर जुलाई। अब हम देखते हैं इसका प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मालपाज, जो यूएसए के हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के अंदर सबसे ज्यादा शेयर भी यूएसए का भी है, तो यूएसए जैसे चाहता है लगभग, हालांकि मोस्टली जो यूएसए चाहेगा वही उसका प्रेसिडेंट बनता है। 2019 एसबीआई मैनेजिंग डायरेक्टर अनुशुला कांत हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो इंडिया की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वर्ल्ड बैंक के अंदर है वो कौन है, तो अनुशुला कांत। वर्ल्ड बैंक इज नोन फॉर द रिपोर्ट्स, इसकी रिपोर्ट्स कौन कौन सी वर्ल्ड बैंक निकालते हैं, वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, जो हाल ही में बंद कर दी गई थी, इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इसमें, और रिमिटेंस एंड माइग्रेशन रिपोर्ट, रिमिटेंस एंड माइग्रेशन रिपोर्ट एक और, ये जो रिमिटेंस एंड माइग्रेशन आ जाता है तो वो रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक निकालता है, जबकि माइग्रेशन से एक और रिपोर्ट आती है, वो माइग्रेशन का ऑर्गेनाइजेशन है वो निकालता है, ठीक है। जब हम इनके बारे में डिटेल देखेंगे, जब हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे उसके अंदर सब ओनली रिपोर्ट्स इंक्लूड होगी, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ये 3-4 रिपोर्ट्स हैं, ये भी आप देख लें। आईएमएफ सेकेंड पोर्शन, आईएमएफ वाशिंगटन डीसी का भी हेडक्वार्टर 1945 दिसंबर के अंदर, तो पहले कौन सी बनी थी, वर्ल्ड बैंक, उसके बाद आईएमएफ, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है, पूरा नाम है, हेल्प इन ग्लोबल करेंसी एक्सचेंज स्टेबिलिटी। आईएमएफ क्या करता है कि ग्लोबल एक्सचेंज करेंसी एक्सचेंज के अंदर हेल्प करता है अगेंस्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस।
जब किसी भी देश के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस हो जाते हैं तो वहां पे आईएमएफ हेल्प करता है, जैसे इंडिया के अंदर 1991 के अंदर 1991 में हुए थे। स्पेशल ड्रॉइंग राइट है, मैकेनिज्म है, वो आईएमएफ के अंतर्गत आता है, ठीक है, जिसके अंदर पांच करेंसीज है। वो करेंसी कौन कौन सी है? पांच करेंसी प्लस एक गोल्ड है, ठीक है। तो कौन कौन सी करेंसी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स। आईएमएफ का चीफ कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिया, जो बुल्गेरियन इकोनॉमिस्ट है। तो अभी आईएमएफ की चीफ है क्रिस्टलिना जॉर्जिया, जो बुल्गेरियन इकोनॉमिस्ट, प्रीवियसली सीईओ ऑफ द वर्ल्ड बैंक, जो वर्ल्ड बैंक की सीईओ थी, ठीक है। अभी सीईओ कौन है? अनुशुला कांत, ठीक है। और अब जो अभी आईएमएफ की चीफ है वो क्रिस्टलिना जॉर्जिया, ठीक है फ्रेंड्स। बिकम द सेकेंड वुमेन, जो ये सेकेंड वुमेन है, उससे पहले आईएमएफ की जो चीफ थी वो फर्स्ट वुमेन कौन सी थी? कौन थी? तो क्रिस्टलाइन लिगार्ड है, इसने रिजाइन कर दिया था। इनके रिजाइन के बाद क्रिस्टलिना जॉर्जिया को आईएमएफ का चीफ बनाया गया था। हर 5 ईयर टर्म स्टार्ट होना, 1 अक्टूबर, जो 1 अक्टूबर 2019 से इनका टर्म स्टार्ट हुआ था। आईएमएफ चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथ, एज एन इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट सी बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ आईएमएफ 2019 के अंदर। प्रीवियसली रघुराम राजन ऑल्सो सर्व इन दिस पोजिशन। तो रघुराम राजन भी चीफ इकोनॉमिस्ट रहे हुए हैं और गीता गोपीनाथ इंडिया से चीफ इकोनॉमिस्ट रही हुए हैं, ठीक है। रिपोर्ट्स कौन कौन से निकालता है? ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी कि एक्सचेंज की स्टेबिलिटी होती है, तो स्टेबिलिटी से रिलेटेड होगा ना, वो आईएमएफ निकालेगा। एक है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इकोनॉमी का आउटलुक देना कि इकोनॉमी कैसे चल रही है, क्या है उसकी, तो वो देगा आईएमएफ, ठीक है। और यदि प्रोस्पेक्ट देना होता है तो वो आ जाता है वर्ल्ड बैंक, याद रखना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स।